गुड मॉर्निंग। आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक नए टॉपिक्स को। इस बार के नीट में जो कुछ पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो हमारे बच्चे अभी नीट के एग्ज़ाम में देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी है क्या पैटर्न है उनके लिए भी, और कुछ को नहीं भी पता है उनके लिए भी। इसलिए ये वीडियो आप थोड़ा ही देर का है, लेकिन इसको आप लास्ट तक जरूर देखिए। और इसमें जो नए पैटर्न्स आए हैं वो थोड़े से कंपटीशन को टफ करेंगे और सेलेक्शन रेट्स को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, आई होप सो। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है, मेजर चेंज क्या क्या है इस बार के टॉपिक्स में। तो ये आपका न्यू पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन 2021 के लिए चार सब्जेक्ट में बांट दिया गया। पहले तो फर्स्ट चीज़ है कि पहले बायो एक टॉपिक में होता था, अभी उनको क्या किया है, बॉटनी और जूलॉजी में बांट दिया गया है। तो मार्क्स वही हैं लेकिन पैटर्न चेंज हुआ है। मार्क्स जो है टोटल वो उतने ही हैं, जितने क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बनाने पहले होते थे उतने ही क्वेश्चंस अभी भी बनाने हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं बनाने का ऑप्शंस दिया गया है कि आप वहाँ पर एग्जम्प्टेड कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसीलिए ये सिलेक्शन के प्रोसेस को ये कटअप के प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करेगा, आई होप सो। देखते हैं क्या है इसमें। इनिशियली मैं बता दूं, जो न्यू व्यूअर्स हैं या जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है 50% वो बायो से होंगे और 25% फिजिक्स से और 25% केमिस्ट्री से। तो मेजोरिटी जो है वो बायो के लिए अभी भी है कि ये मेजर पोर्शंस जो हैं बायो के लिए हैं, 25% फिजिक्स और 25% केमिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ द चेंज। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, मैं तो नया YouTube का चैनल लॉन्च किया हूँ और आप लोगों के प्यार से ये बहुत अच्छा, YouTube ने मुझे ये दिया है कि 1500 व्यूज़ हुए हैं आपके, और मैं इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, बहुत सारे जो जानने वाले हैं वो भी हैं, उन्होंने देखा, वॉच किया, उनको अच्छा लगा, उनके लिए थैंक यू। मैं आपके लिए ऐसे ऐसे न्यू वीडियोज़ और नॉलेज के लिए वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू, आपने इतना सपोर्ट दिया है। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द न्यू पैटर्न। इसी स्लाइड्स को समझना है कि व्हाट इज़ द न्यू पैटर्न। अब ये 2020 के एग्जामिनेशन के लिए लागू है, यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। फर्स्ट चीज़ चेंज हुआ है कि ये पहले बायोलॉजी हुआ करता था, अब ये बॉटनी और जूलॉजी में डिवाइड कर गया है। सेकेंड चीज़ है कि इसी से टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे वो ये आपको क्वेश्चन जो हैं वो दो सेक्शन में बट गए। हर एक में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, उसमें इनिशियली दो सेक्शंस रखे गए हैं। एक को सेक्शंस ए बोला गया है और एक को सेक्शंस बी बोला गया है। ए में 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ए सेक्शंस में किसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी किसी में भी 35 क्वेश्चंस ए सेक्शंस में होंगे। उस ए सेक्शंस में ये 35 क्वेश्चन कंपल्सरी हैं, आपको बनाने ही होंगे, आपके पास ऑप्शंस नहीं है जैसा कि पहले के प्रीवियस पेपर में हुआ करता था। देयर इज अ नो ऑप्शंस। सो यहां पे 35 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अब ये 35 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। ये जो सेक्शंस बी है इसमें 15 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और 15 क्वेश्चंस का मतलब होता है कि 10 क्वेश्चंस इसमें आपको कंपलसरी कर दिया गया है, अब 5 क्वेश्चंस आपको ऑप्शनल दिया गया है। मतलब टोटल 15 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा क्वेश्चन बना लेते हैं, ये 10 से ज़्यादा क्वेश्चन बना लेते हैं, तो इनिशियली जो 10 होंगे उसी को काउंट किया जाएगा। तो इसमें 15 क्वेश्चंस में ओनली 10 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं, तब यहीं पे सिलेक्शन रेट थोड़ा सा ये हो गया। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस है तो जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है उसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये छोड़ने वाले ऑप्शंस में मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टैंडर्ड ऑफ जो क्वेश्चंस है यहाँ पे थोड़ा सा हाई होगा, जो आपको लगेगा कि हाँ मतलब प्रीवियस से थोड़ा सा हाई होगा, इसीलिए शायद ये ऑप्शंस ऐड किया गया है। चूँकि ये पहला एग्ज़ाम है, सबको देखना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है,
आपके पास एक पॉजिटिवनेस भी है कि आप 5 क्वेश्चन को छोड़ के ओनली 10 क्वेश्चन ही बनाना है। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, नहीं तो अगर मान लीजिए 11th क्वेश्चन आपका सही है, 10th वाला गलत है, तो गलत वाला आपको डिटेक्ट कर लिया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा और 11th जो आपका सही था वो छोड़ दिया जाएगा। ओनली 10 क्वेश्चन ही जो बनाए हुए हैं इनिशियली 10, उसी को काउंट किया जाएगा, उसके बाद का क्वेश्चन आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस पर स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ओनली 10 क्वेश्चन, यही एक मेजर चेंज हुआ है। तो 35 क्वेश्चन से 140 मार्क्स आएंगे और इस 10 क्वेश्चन से 40 मार्क्स आएंगे, दोनों मिला के 180 हो जाएंगे। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए है और हमने आपको पहले बताया कि बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग कर दिया है, दो सेक्शन में बांटा हुआ है, तो इसी को मिला के 180 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट जो है वे यहाँ पे हैं, पर टॉपिक्स हैं। अब 140, 180 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 720 मार्क्स, जो आप जानते हैं प्रीवियस भी एग्जाम जो होते थे वो 720 मार्क्स के ही थे और अभी भी 720 मार्क्स के ही हैं, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। प्लीज़ आप इस वीडियो को जितना हो सके फॉरवर्ड कीजिए, उनको पता होना चाहिए, एकदम लास्ट मोमेंट में जाके उनको पता होगा तो थोड़ा दिक्कत है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाएंगे जो नॉलेज से रिलेटेड हो और जो आपके ज्ञान को बढ़ाए और नीट के प्रिपरेशन में हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।